और वो लड़की जो है ग्रीन लाइट थी उसके बावजूद वो सड़क क्रॉस कर रही थी। तो मतलब कुल मिलाकर पूरी गलती उस लड़की की, उसके बाद भी उस लड़की ने सबके सामने भरी बाजारे में उस बेचारे को चाटों से मारा, इतने चाटे उसके मारे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज का सीन देखो ऐसा है कि ये वाले जो गमला है ना हमारा, ये वाला जो पौधा है यार, ये पता नहीं खराब सा हो गया है। इसकी जो मिट्टी थी उसमें बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो रहा था, तो अच्छा सबसे पहले मुझे इसकी मिट्टी चेंज करके इसे नई मिट्टी में लगाना है, जिससे ये दोबारा से ग्रोथ पकड़ सके। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इसकी हालत कैसी हो रही है। तो देखो गाइस, इसकी हालत कुछ ऐसी हो रही है यार, मैं इसे लेकर आया था, पूरे 250 रुपये का पौधा है और लाए हुए मुझे 5 दिन हो गए हैं। मतलब इसके पत्ते अभी तक झड़े भी नहीं हैं, हरे भी हैं, लेकिन जान नहीं है इस पौधे में बिल्कुल भी, ख़त्म सी हो रही है इसकी जान, मतलब ख़राब सा हो रहा है। तो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसके अंदर मिट्टी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। तो आज सबसे पहले तो हम इसमें नई मिट्टी डालेंगे, ये वाली। आज सबसे पहले इसमें हम ये वाली नई मिट्टी डालेंगे, ठीक है। ये वाली सारी मिट्टी निकाल के इसमें डालेंगे और निकालने के लिए हमारे पास ये वाला औजार है। तो चलो मैं जल्दी से पहले ये गमला ट्रांसप्लांट कर देता हूँ अच्छी वाली मिट्टी में, फिर आपसे मिलता हूँ, ठीक है। तो गाइस हमने गमला इसमें से मतलब पौधा निकाल करके उसमें लगा दिया है, अभी वो सब इसमें वापस लगाऊंगा, पहले ये वाली मिट्टी मुझे बाहर निकालनी है। तो ये बाइक और गाड़ी वाले वीडियो नहीं बनाने देते। और गाइस आप ये देख रहे हो, छोटे छोटे से जो जानवर चल रहे हैं इस पे, ये छोटे छोटे से जो कीड़े हैं ना, ये भी गमले में होना अच्छा नहीं होता है। अभी माइक भी अच्छा नहीं है तो सारी शोर इसमें कैप्चर हो जाती है, देखो इनकी वजह से पौधा ख़राब हो जाता है। तो अभी जल्दी इसमें मिट्टी निकाल देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये पौधा लग करके तैयार है, अब इसमें मुझे थोड़ी सी डालनी है वर्मी कंपोस्ट। मतलब पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, हर पौधे के खाद के लिए। तो जब भी हम किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके तुरंत बाद उसमें हमें फर्टिलाइज़र दे करके थोड़ा सा पानी दे देना चाहिए, जिससे कि पौधा अपनी जड़ पकड़ ले और वो मरे ना। तो जल्दी से पहले मैं फर्टिलाइज़र दे के पानी देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो मिट्टी बदल कर खाद देकर हमने इसमें अच्छी तरह से पानी दे दिया है, अब बस देखना ये है कि ये पौधा वापस से चल जाए। यार बहुत महंगा पौधा था, मतलब बुरा लगता है, देखना कैसा हो गया, इतनी सारी पत्तियाँ तो उसकी झड़ भी गई। तो एक काम करता हूँ, ये जितने भी पौधे यहाँ पर रखे हैं, ये वाला पीछे और साइड में वो जो पौधा रखा है ना, इन सब में भी थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट दे देता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत दिन हो गए मैंने इनमें खाद दी नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा इनमें भी दे देता हूँ। तो सारे पौधों में हमने फर्टिलाइज़र भी दे दिया है, अच्छी तरह पानी भी दे दिया है। हर 15 दिन में हमें इनमें फर्टिलाइज़र देना ही होता है, जिससे ये पौधे चलते हैं, मतलब एक तरह से इनका ये खाना होता है। तो देखो कितना प्यारा पौधा है, ये भी मतलब कि अब तक का जो हमारा पौधे का कलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा महंगा पौधा यही वाला है। मतलब बहुत महंगा तो नहीं है, 250 रुपये का है, लेकिन सबसे महंगा अभी तक के जो पौधे आए हुए हैं उसमें यही है। बस ये चल जाए तो यार खुशी हो जाएगी थोड़ी सी, बुरा लग रहा है, देखना कैसे लटका पड़ा है बिल्कुल।
दोस्तों अब बारिश भी स्टार्ट हो गई है, अगर आपको दिख रही हो ये ब्राउन वाली जो टाइल है इस पे देखो बारिश आनी शुरू हो चुकी है। तो एक तरह से बेनिफिट हो गया है हमारे पौधों के लिए, थोड़ा सा इन्हें बारिश का पानी भी मिल जाएगा तो ये और अच्छी तरह खिल जाएंगे। मोटे मोटे सुन सुन नु कह दियो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो कह दो अरे कह दो उस दिन भी ना कही इन्होंने एक बार कह दो। मैंने सुना तो बड़े बड़े भैया होते हैं ना उनकी बात ज्यादा मान लेते हैं लोग, तो एक बार कह दो लाइक सब्सक्राइब कर दो कह दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? ए तू आ गई और रानी, इसका नाम रानी है रानी। अरे रानी कहाँ घूम रही थी पानी पी ले जे लाओ यहाँ को लाग दो जाने की ना है वहाँ पे से पता ना कहाँ है पानी। भाई ले 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 पानी पी ले लाओ ले पानी पी ले ले दारू पी ले दारू पड़ी इसमें ले यहाँ रख तेरे खुजाने को बैठे हैं यहाँ पे फ्री तेरे खुजा दे बस। तो दोस्तों आप भी चाहो तो अपने घर के बाहर एक छोटा सा बर्तन रख सकते हो पानी का, ठीक है? इन बेचारों को पानी मिल जाएगा, सुबह से प्यासे घूमते रहे हैं ये क्यूरी। तो ये इसकी माँ है बेटे की माँ की माँ, समझ गए? तो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30, तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक बार छत पर। वैसे तो मैं छत पर इसलिए आता हूँ क्योंकि इस समय मतलब शाम के समय नीचे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती है, इसलिए मैं छत पर आ जाता हूँ। यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी रहती है तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी साफ आती है और थोड़ा सा यहाँ का इन्वायरमेंट भी अच्छा रहता है, नीचे ज़्यादा मन नहीं लगता शाम के समय। और गाइस एक खुशखबरी और कि आज मेरे चैनल पर 1800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आज से एक हफ्ते पहले उस पर 1600 सब्सक्राइबर थे, मतलब यार तुमने एक हफ्ते में 200 सब्सक्राइबर करवा दिए, तो उसके लिए दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और गाइस अगर आप मतलब सोशल मीडिया पर हो या फिर आप अगर मेरी ये वीडियो भी देख रहे हो तो आपको पता होगा कि नेट पर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसमें एंजल नाम क्या है उसका लड़की का, मतलब जो भी वो लड़के जो ओला ड्राइवर वाला जो किस्सा हो रहा है जिसमें वो लड़की उसे उड़ के मार रही है, तो यार मतलब हद है किसी बात की। मतलब मैं मेरे तरफ से तो मुझे मतलब यही दिख रहा है कि पूरी गलती उस लड़की की है, उस मतलब जो ड्राइवर है ओला का जो ड्राइवर था वो उसने सारे नियमों का पालन करा। ज़ेबरा क्रॉसिंग से पहले एक वाइट कलर की पट्टी होती है जहाँ पर रेड लाइट पर गाड़ियों को रोकना होता है, उस बंदे ने गाड़ी भी वहीं रोकी है और वो लड़की जो है ग्रीन लाइट थी उसके बावजूद वो सड़क क्रॉस कर रही थी। तो मतलब कुल मिलाकर पूरी गलती उस लड़की की, उसके बाद भी उस लड़की ने सबके सामने भरी बाजारे में उस बेचारे को चाटों से मारा, इतने चाटे उसके मारे हैं, उसकी यार मतलब उसका जो आत्मसम्मान है उसकी जो इज्जत है उसको कचरा करके रख दिया। उसके बाद भी पुलिस केवल उस मतलब लड़के को तो उसने गिरफ्तार कर लिया और लड़की का मतलब एक तरह से देखा जाए तो पुलिस लड़की का पक्ष ले रही है, पता नहीं क्यों क्या बात है, अभी और बातें खोल करके आएंगी सामने। तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि आपको क्या लगता है कि उस पूरे इंसिडेंट में उस लड़के की गलती है या फिर उस लड़की की गलती है। भाई मेरा ओपिनियन तो यही रहेगा कि मेरा क्या सबका ये है, सब लड़कों का जो सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं सबका ये ही मानना है, मानना भी क्या यार साफ दिख रहा है पूरी गलती उस लड़की की है। एक तो ग्रीन लाइट पे वो क्रॉस कर रही थी रोड, दूसरी बात उस ओला ड्राइवर ने इतनी दूर अपनी गाड़ी रोक दी उसके बाद भी उसने उसका फ़ोन तोड़ा, यार मतलब हद मचा रखी है। तो गाइस अभी आपको पीछे ना शिव जी के गाने की वो आ रही होगी आवाज़ हल्की, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो शाम का समय है, हमारे कॉलोनी के पास एक मंदिर है, बंद हो गई, अब बंद हो चुकी है, नहीं शुरू हो गई दोबारा, तो भजन बजते हैं रोज शाम को, तो लोग में उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आती है, तो उसे प्लीज़ मैनेज कर लेना। तो मैं कह रहा था कि यार मुझे ना पर्सनली उस ड्राइवर की एक बात बहुत ही अच्छी लगी, मतलब यार काबिले तारीफ बात है उसकी वो, कि उसने उस लड़की पर एक भी चाटा नहीं मारा, मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं छोड़ा, जबकि उस लड़की ने उसे कितने रैपट मारे हैं, उसके बाद भी उस लड़के ने एक बार भी उसे छुआ तक नहीं, और उसके बाद वो झूठ बोल लिया कि मुझे 100 लड़कों ने मारा 300 मीटर से गज सीट के लिए। मेरी मतलब यार मैं क्या कहूँ, अगर उसे 100 लड़के मारते और 300 मीटर से घसीट कर भी लेके जाते तो यार तुम खुद सोचो कि वो इंटरव्यू देने के लायक होती है, मैं इंटरव्यू दे रही है बैठ के, मतलब यार झूठ भी बोल ली है सारी गलती भी करी है, बस यार मतलब क्या ही कह सकते हैं,
तो तुम कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि गलती उसकी है या फिर उस ओला ड्राइवर की है। गाइस आपको एक बात और बता दूं, हमारे घर में अगस्त चल रहा है ना, तो एक 10 से 20 तारीख के बीच में एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे घर में आने वाली है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलने वाले हैं। तो इस व्लॉग का आज हम यहीं तक रखते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।